आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी लोगों को वाराणसी में मिल रहा काम। मुंबई से आए प्रवासी मजदूर पहले काफी परेशान थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खादी ग्राम उद्योग द्वारा संचालित खादी मास्क बनाने में इन लोगों को काम मिल गया। इनके काम मिलने से ही इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यह इस काम में लग गई। धीरे धीरे करके लोग खादी का मास्क सिलने लगे और यहाँ पर कई प्रवासी मजदूर महिला व पुरुष खादी के मास्क सिलने में काम में लगी हुई हैं और प्रतिदिन वह 250 से 300 रुपए की आमदनी भी कर रही हैं और वह काफ़ी खुश भी हैं और कह रही हैं कि हम लोगों को जिस तरह तकलीफ थी अब वो हमारी तकलीफ दूर हो गई। मुंबई से आई पूजा चौहान ने बताया कि हम लोग लॉकडाउन के बाद बेकार हो चुके थे और कोई काम नहीं था। घर आने के बाद यहाँ पर खादी से मास्क सिलने का काम मिला और हम करके खुश हैं। सर, हम मुंबई में रहते थे और हमारे हस्बैंड जी भी रहते थे, पूरा फैमिली के साथ रहते थे और वहाँ कंपनी में काम करते थे। तो कंपनी लॉकडाउन से बंद हो गया था, हम लोग बहुत परेशान थे। कैसो करके लॉकडाउन के बाद कुछ ट्रेनें चलना शुरू हुई तो हम लोग यहाँ बनारस आए। सर, बनारस में हम नई बस्ती में रहते हैं, नई बस्ती पांडेपुर, और काम का बहुत समस्या था। तो पता चला हमको कि सेवा आश्रम है, वहाँ पे खादी का काम चलता है, खादी में कुछ मास्क वगैरह सिला रहा है। तब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ मास्क सिलना शुरू किए हैं और यहाँ मास्क रोज़ हम लोग 250-300 का काम करते हैं और बहुत अच्छे से अपना खर्च चला रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने बाल बच्चों का पोषण पालन कर रहे हैं। और हम वही प्रमोद कन्नौजिया ने भी कहा कि वाराणसी में आने के बाद बेरोजगार हो गया था, ऐसे में सेवाश्रम द्वारा बनाए जा रहे खादी के मास्क में सिलाई का काम मिल गया और सिलाई का काम मिलने के बाद मुझे रोजगार मिल गया जिससे मैं बेकार नहीं हूँ और प्रतिदिन 300 से 350 रुपये की आमदनी करके अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद दिया, जिस तरह सरकार मदद कर रही है वह काबिले तारीफ है। सर जी, हम बॉम्बे रहते थे और बॉम्बे से यहाँ पे प्रवासी के रूप में आए हुए हैं। बॉम्बे बहुत स्थिति खराब थी, लॉकडाउन चल रहा था और वहाँ से हम लोग गाँव में आए तो मुझे पता चला कि गांधी सेवा आश्रम में काम चल रहा है, मोक्ष बनाया जा रहा है। तो हम संपर्क किए भैया प्रवीण जी से, जिसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे आते समय यहाँ पे आने के बाद मुझे काम मिल गया और डेली मैं 250-300 रुपए का काम कर लेता हूँ और जिसकी वजह से मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। इसके पहले मैं काफ़ी बेरोजगार था, परेशान था, मैं दौड़ रहा था लेकिन कहीं काम नहीं मिला, लेकिन सरकार भी हमारी मदद कर रही है और भिन्न भिन्न जगहों पे जो भी है वो दे करके राशन हुआ और भी जो है कि कुछ सेवाएं हैं तो हमें यहाँ पे रोज़गार मिला, हम सभी संतुष्ट हैं।